गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सूरज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक रेफोजिशन। रेफोजिशन पार्ट टू। सो इन लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट ऑफ एंड और डबल अप। टुडे नाउ वी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट इन एंड इन टू। इन एंड इन टू बोथ मीन्स, आई मीन टू से इन हिंदी हम दोनों का मीनिंग सेम लेते हैं। इन दोनों का मीनिंग हम मे की सेंस में लेते हैं या फिर के अंदर, मीन्स इनसाइड, इनसाइड द अदर ऑब्जेक्ट। इन एंड इन टू मीन्स इनसाइड द अदर ऑब्जेक्ट, बट देर इज अ डिफरेंस इन यूजेज। इन दोनों को यूज करने में देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इन इज यूज्ड टू शो। इन हम कहाँ यूज करेंगे, हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज। इन इज यूज्ड विद द पार्ट्स ऑफ द डे। करो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पार्ट्स ऑफ डे। दिन के पार्ट्स के साथ इन इज यूज्ड, लाइक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दीज वर्ड्स। दीज पार्ट्स ऑफ द डे वी ऑलवेज यूज इन। इन पार्ट्स ऑफ डे के साथ हम इन यूज करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। सो विद द पार्ट्स ऑफ द डे हम इन यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट विद द नेम ऑफ कंट्री, नोट नेम विद कंट्री, बिग सिटीज, टाउन एंड लार्ज एरिया। सो डियर स्टूडेंट्स, कंट्री के नेम के साथ, बिग सिटीज के साथ एंड टाउन के साथ एंड इफ एनी लार्ज एरिया, तो इन सब के साथ हम इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माय फादर और माय अंकल लिव्स इन अमेरिका। माई अंकल लिव्स इन अमेरिका। अमेरिका इज द नेम ऑफ कंट्री एंड बिफोर द कंट्री वी विल यूज इन, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द कंट्री। बिग सिटीज की बात करें, डियर स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल अबाउट द बिग सिटीज, जस्ट लाइक दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, दीज आर द बिग सिटीज। सो विद द नेम ऑफ द बिग सिटीज वी विल यूज इन। एंड लार्ज एरिया, लार्ज एरिया की बात करें तो भी हम इन यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ डे के साथ हमने इन यूज किया, नेम ऑफ द सिटीज, बिग एरियाज के साथ भी हमने इन यूज किया। एंड देन वी विल कंटिन्यू इन इज यूज्ड टू शो ड्रेसेज। ड्रेसेज शो करने के लिए वी ऑलवेज यूज इन। द ब्राइड वाज ड्रेस्ड इन सिल्क। सिल्क इज द स्टफ, इज द नेम ऑफ स्टफ, इज द नेम ऑफ क्लॉथ। सिल्क जो है कपड़े का नेम है। सिल्क के क्लॉथ में वो ड्रेस्ड की गई थी, सजाई गई थी, किसको, ब्राइड। ब्राइड वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल इन सिल्क। एंड यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन दे
wear uniforms. All the students were playing in their uniforms. यहाँ पर भी uniforms dresses की बात हुई, तो before the dresses to show the dresses हम in preposition use करते हैं. Clear? Next rule to show the occupation. For occupation or you can say profession. Activity. Occupation का profession हो या activity show करने के लिए we always use in just like he is in navy and she is in politics. She is in politics. These are the their occupation. So to show the occupation we use in. Before the occupation or before the name of the profession we use in. And activity की बात करें तो the gardener is watering in the plants. The gardener is watering in the plants. Plants में पानी दे रहा है. It is the activity done by the gardener. So like this we will use in. And then in is used for the period of time. Period of time. To show the period of time we always use in. Not always, we use in. Just like example, just like I will return this book in a month. I will return this book in a month. A month, it is the period of time, but before the period of time I have used here in. In used here meant to show the period of time. But students remember that to show the period of time after is also used. After and in both are used to show the period of time. But you have to remember always that after is used to show the period of time in the past, but in is used to show the period of time in future. Jab hum future ki baat karte hain, when we talk about the period of time in future, then we will use in. And when we talk about the period of time in the past, then we use after. Just example, I will return the book. It is the example of future tense, but you can say that I returned the book. I returned the book after a month. मैंने ये book एक महीने के बाद लौटाई. So यहाँ पर मैंने after use किया to show the past, to show the period of time in past tense. So like this, in is used, and in is used with the big cities always. I have already told you. Next, in is used to show the rest position. रेस्ट पोजिशन शो करने के लिए भी हम इन यूज करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इनसाइड द अदर ऑब्जेक्ट. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इनसाइड द अदर ऑब्जेक्ट वी विल यूज इन. जस्ट लाइक द फिश आर डैश द सी. फिश जो है सी में है, अंदर है. मींस एक ऑब्जेक्ट हमारे पास फिश हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी हो गया. इफ द फिश आर ऑलरेडी इन द सी, वो सी में ऑलरेडी है, क्योंकि फिश जो है बाहर नहीं रहती है, ये वाटर में ही रहती है, तो ऑलरेडी सी के अंदर है. द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन साइड द अदर ऑब्जेक्ट वी विल यूज इन. क्लियर?
my pen in my bag. मैंने अपना पेन अपने बैग के अंदर रख लिया है, रख चुकी हूँ. Here also pen is an object which is inside the other object. Bag के inside है, अंदर है. So I have used here in. In and here also in. So whenever we talk about the things, about the object which are inside the other object, and whether it is in rest position or in motion. जब कोई चीज़ दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है, रेस्ट पोजिशन में हो या फिर मोशन में हो, बट इनसाइड द अदर ऑब्जेक्ट होती है तो हम इन यूज करते हैं. सो जस्ट लाइक मीन्स एग्जाम्पल, दे आर इन द गार्डन. दे आर इन द गार्डन, वो गार्डन के अंदर है, ऑलरेडी इनसाइड है. And if I talk, they are walking the garden. Here I'm talking about it. They are walking. वो walk कर रहे हैं कहाँ पर? The garden. तो garden के ऊपर तो नहीं करेंगे, garden के नीचे भी नहीं करेंगे. और walk कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये inside है, garden के inside है. यहाँ पर ऑलरेडी इनसाइड थे, पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पर मोशन है. यहाँ पर वो रेस्ट पोजीशन शो करता है, यहाँ पर मोशन शो कर रहा है, गार्डन के अंदर ही मोशन शो कर रहा है. भाई यहाँ पर हमने फिश की बात की, तो फिश जो है इसमें सी में थी, तो क्या सी में वो फिश में पानी में एक जगह तो नहीं ठहरी हुई थी? वो भी कुछ न कुछ मोशन कर रही होंगी, मे बी, बट वो इनसाइड द अदर ऑब्जेक्ट थी. यहाँ पर भी इनसाइड द अदर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आएगा इन. सो टू शो द थिंग्स inside the other object हम in use करेंगे. So another example also you can take, like our principal sir or our principal is in his office and all the students are playing in the playground. So there are so many example you can use. Next we will talk about we will discuss about into. Into in the sense, इसका मतलब भी आप हिंदी में इसका मेल के सेंस में लेते हो या के अंदर के सेंस में लेते हो, बट इन शोज रेस्ट पोजिशन. ये रेस्ट पोजिशन शो करता है एंड इनटू शोज मोशन चेंज, चेंज शो करता है. इनटू जो है मोशन शो करता है व्हेन देयर इज मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. जब कोई चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर की तरफ जाता है, then it is motion. And to show the motion we use into. And change, change the state. जब change हो जाती है, transform की बात होती है, change की बात होती है, we use into. So look here, I'm giving the example into. सेंटेंस ट्रांसलेट कर दो, इसको चेंज कर दो. किस में चेंज कर दो? इंग्लिश में चेंज कर दो. मेक ही सेंस आई है, तो मेक ही सेंस आई है तो हम इन यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पर? नो, वी कांट यूज इन हेयर बिकॉज देयर इज क्या है, मोशन है, स्टेट चेंज हो जाएगी. मे बी दिस सेंटेंस हिंदी में हो, उर्दू में हो और किसी लैंग्वेज में हो, बट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश. सो चेंज आएगा, मोशन आएगा, तो यहाँ पर हम इनटू यूज करेंगे. In last, when we were talking about in, I gave you example that fish are in the sea. But if I say some frogs are jumping the sea, वो समुद्र में जंप कर रहे हैं. तो समुद्र में वो जंप कर रहे हैं, सी के अंदर जंप कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वो पानी के अंदर अंदर जंप कर रहे हैं. पानी के अंदर अंदर जंप कर रहे हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे, हम देख नहीं पाएंगे उनको. बट फ्रॉग्स पानी में अब जंप करके जा रहे हैं पानी में. सो देयर इज मोशन,
मोशन है तो हम क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे। फिश जो थी ऑलरेडी पानी में थी, बट यहाँ पर फ्रॉग्स जंप करके पानी में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनटू यूज करेंगे। Then there is a change from the change in the state, means he was in teaching. He teaching में था, but now he has come टीचिंग में, टीचिंग में था उसका प्रोफेशन जो था वो टीचिंग था, बट नाउ ही हैज कम, परंतु वह अब आ गया है, किस में आ गया, पॉलिटिक्स में आ गया। मेकी सेंस आई, बट मेकी सेंस आ गई तो हम यहाँ पर जरूरी हम इन यूज करेंगे, नो देयर इज अ चेंज आया है, चेंज आया है, चेंज अ मोशन है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनटू। सो लाइक दिस व्हेन देयर इज अ मोशन और चेंज वी विल यूज इनटू। क्लियर स्टूडेंट्स? Next, with and by. Within and in. With means in Hindi you use with when the sense means जब हिंदी में sense हो के साथ किस sense में आप use कर with use करते हैं। And for by means के द्वारा, आप इस तरह के सेंस निकालते हो इन हिंदी सेंटेंसेस हम, बट इन इंग्लिश विद इज यूज्ड, विद इज यूज्ड, विद इज यूज्ड फॉर डूअर और एजेंट। With is used for doer or agent when the action is done by any doer or agent. जब कोई action किया जाता है, किसी person के द्वारा किया जाता है, agent के द्वारा किया जाता है, then we will use with. And by is used. Sorry, मैंने opposite बता दिया. With is used for instrument or tool. इंस्ट्रूमेंट और टूल के लिए हम विद यूज करेंगे, एंड बाय इज यूज्ड फॉर डूअर और एजेंट। इन द सेंटेंस बाय इज यूज्ड फॉर डूअर और एजेंट और विद इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट और टूल्स। इंस्ट्रूमेंट्स हो या टूल्स हो, मींस आई एम गिविंग एग्जांपल, ही किल्ड snake, he killed a snake by a knife. So dear student, there is a action in this sentence. क्या है action? Kill होना, kill करना जो है action है, done by him, done by him, इसने action किया kill करने का, snake को इसने kill किया with the help of knife. तो knife is a tool है यह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बाय यूज किया, लुक एट हियर, ही किल्ड ए स्नेक बाय ए नाइफ। यहाँ पर आपको डैश मिलेगा, डैश में आपको विद और बाय दोनों मिल जाते हैं। सो व्हाट विल यू यूज? आई टोल्ड यू दैट बाय इज यूज्ड फॉर डूअर और एजेंट। सो यहाँ पर नाइफ जो है ये डूअर है या डूअर या एजेंट है या फिर इंस्ट्रूमेंट है? इट इज नॉट डूअर, नॉट एजेंट। यहाँ पर ये काम को करने वाला नहीं है, इसके द्वारा काम मतलब इसकी हेल्प से एक्शन हुआ है। सो मींस इट इज इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से टूल है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हेल्प से स्नेक को किल किया गया है। सो बाय इज रॉन्ग हेयर, हेयर वी विल यूज विद। ही किल्ड ए स्नेक विद अ नाइफ। एंड इफ आई चेंज द सेंटेंस, ए स्नेक was killed by Ra
राम हो, ह हो, सी हो, सीता हो, ना सॉरी हर हो, सीता हो, कोई भी एनीबडी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास था क्या था, डूअर था, डूअर यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। सो यहाँ पर ही जो था डूअर था और इसने नाइफ की हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये एक्शन कंप्लीट किया। यहाँ पर क्या था, जो एक्शन जो था किया गया था किसके हेल्प से, किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा, डूअर के द्वारा। सो यहाँ पर एजेंट है, डूअर है। सो विद द डूअर वी यूज बाय और फॉर द इंस्ट्रूमेंट और टूल्स के साथ हम विद यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बाय इज यूज फॉर टू शो द टाइम ऑल्सो, टाइम शो करने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं और विद का मतलब के साथ भी यूज करते हैं, के साथ की सेंस में। जैसे शी सिट्स विद हिम, वह उसके साथ बैठती है। सीता सिट्स ऑलवेज sits with Gita and by in the sense by हम time के लिए भी use करते हैं। by का means होता है not later than, not later than, to show the time by का means हम लेंगे not later than। if I say I will return by evening, means evening से late नहीं होंगी मैं। क्या कहा, by is used और by shows, means by means not later than। I will return, मैं लौट आऊंगी by evening, शाम तक लौट आऊंगी, means शाम से ज्यादा late नहीं होंगी। by का मतलब not later than। So like this within and in also are used to show the time। यहाँ पर within और in, within का means हिंदी में लेते हो के अंदर अंदर और in means में। So whenever we talk about the time and for the time we can use within and in, both shows the given period of time, period of time show करते। But in shows within before the end of the given period, before the end of the given period, within के लिए हमें time period दे दिया जाता है। So before the end of the given period, जो हमें period मिला है उस period से before, पहले ही action done हो जाता है। और in means at the end of the given period, at the end of the given period, दोनों के दोनों यहाँ पर हमारे पास within and in, in both shows the period of time, but in means at the end of the given period and within means before the end of the given period. So we can use within and in to show the time. If I say he will come in a month and she will complete this work within a week. Here I have used in for the period of time a month, and I have already told you that in is used to show the time in future tense. Future tense में time show करना होता है तो हम in use करते हैं। But here we were talking about within, within की बात।
बात हो रही थी विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ द गिवन पीरियड शी विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन ए वीक इट मीन्स वीक फिनिश होने से पहले ही वह काम को कंप्लीट कर देगी सो टुडे वी विल डिस्कस्ड टुडे वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द प्रीपोजिशन रेस्ट ऑफ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू